मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज हम बात करेंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी कैसे कश्मीरी लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। कैसे कैसे? नंबर फर्स्ट, थ्रू सेट एग्जामिनेशन। नंबर सेकंड, एग्जामिनेशन फ्री फीस के जरिए। नंबर थर्ड, जो MSP सर्टिफिकेट मिलती है PhD MPhil वालों को, उसके ज़रिए वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब पहली एग्जाम्पल ले लेंगे सेट एग्जामिनेशन। ये सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है, आप देखिए ये। और यहाँ नोटिफिकेशन में देख लीजिए इनका फ़ी कितना है। फ़ी 1000 है। और अब देखिए, अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वहाँ पर फीस है उससे बहुत ज़्यादा कम। इसके बाद देखिए, कम से कम 2000 से लेके 2500 बच्चों का क्वालिफाई हुआ है सेट इस साल। सेट के बाद उनने और एक ये निकाली नोटिफिकेशन, जिसमें सेट सर्टिफिकेट का चार्ज कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 500 पर कैंडिडेट रखा है। और 2500 बच्चों ने क्वालिफाई किया, अगर उसको इंटू किया जाएगा वो आएगा 1.25 मिलियन, मीन्स 12.5 लाख उन पे चार्ज थोपा गया, जो कहीं भी नहीं है, ना नेट में है, ना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी सेट की सर्टिफिकेट को लेती है ये 500 रुपया। उसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगे, ये MSP सर्टिफिकेट है एक कैंडिडेट की, ये MSP सर्टिफिकेट है। आप देखिए MSP सर्टिफिकेट कश्मीर यूनिवर्सिटी की, नीचे देखिए आप, दो लाइन्स लिखी हुई है। अगर ये जनरल सर्टिफिकेट में ही ऐड की जाएंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको भी ये 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तीसरी चीज़, एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का, अगर किसी का बैकलॉग एक सब्जेक्ट में होगा, उसका फ़ी है 1280 रुपीज़ और 1250 रुपीज़। अगर अब तीन सब्जेक्ट्स में बैकलॉग है तब भी उसका इतना भरना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनका एग्जामिनेशन फीस पर सेमिस्टर 1250 रुपया अदा करना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आप लोगों को बाकी यूनिवर्सिटीज़ का दिखाता हूँ। ये गुजरात का सेट देख लीजिए, गुजरात का सेट। और यहाँ फीस अगर देखेंगे, जनरल कैटेगरी 800 और इंक्लूडेड सर्टिफिकेट, चाहे वो आप ई सर्टिफिकेट ले लेंगे या हार्ड कॉपी ले लेंगे। उसके बाद ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ का भी सेट है। आप देख लीजिए यहाँ पर फ़ी है टोटल 800 जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए, ये और एक शीट मैंने निकाली हुई है, ये केरला सेट है। केरला सेट देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर आप फ़ी देखेंगे तो यहाँ पर फ़ी 750। उसके बाद महाराष्ट्र सेट देखिए, 550 सेट का, पूना यूनिवर्सिटी कराती है ये सेट, यहाँ पर 550। और गुजरात सेट देखिए, यहाँ पर है 800 फी। अब देखिए, इसके अलावा इवॉल्वेशन के लिए हर एक स्टूडेंट यहाँ 500 फी भरता है। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट कहते हैं विदाउट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुई। मैंने रिसेंटली प्रोफेसर इरशाद, जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है सेट के भी, वो कंट्रोलर है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि आपने ये कैसे इनको एक्स्ट्रा चार्ज लिया पर सर्टिफिकेट, 500 एक्स्ट्रा कैसे लिया। उनने डायरेक्टली कहा कि हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया, जिसके थ्रू इवन VC साहब ने वो साइन किया है कि हम इनको हर एक सर्टिफिकेट पे 500 एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये किस कानून में लिखा है? जब नेट वाले नहीं लेते, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वहाँ पर लोग नहीं लेते हैं, हर एक स्टेट में सेट होता है, सिलेक्ट होता है, वहाँ पर नहीं लेते हैं, तो ये कैसे कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरी दरख्वास्त है इन 2500 लोगों से कि आप लोगों ने फ़ी भरा है और इंक्लूडेड उसमें सर्टिफिकेट होता है, आप फिर दोबारा 500 वहाँ क्यों भर रहे हो? आप जाग जाओ, कश्मीरी बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, आप जाग जाओ और राइट और रॉन्ग का फ़र्क देखो। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। और हम्बल रिक्वेस्ट है नए VC साहब से, इस पर गौर खोज करें और बच्चों को वो 500 वापस कीजिए। बाकी थैंक यू।